सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, देख दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइस अगर आपके फ़ोन में भी पिज़्ज़ा हट एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स करेंगे। गाइस जब भी आप अपने फ़ोन में पिज़्ज़ा हट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो गाइस यहां पर आपकी जो एप्लीकेशन रहती है वो ओपन ही नहीं होती, आपके फ़ोन के अंदर वर्क नहीं करती। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे अगर आप भी जानना चाहते हो तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस यहां पर सबसे पहले आपके फ़ोन में अगर पिज़्ज़ा हट एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रही है, नहीं चल रही है, तो इसके जो है दो तीन कारण होते हैं जिसकी वजह से यहां पर जो एप्लीकेशन अपने फ़ोन में वर्क नहीं करती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो गाइस क्या करना होगा, आपको जो अपने फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लेना है, ठीक है ना। क्योंकि कई बार गाइस एप्लीकेशन को इंटरनेट नहीं मिलता जिसकी वजह से भी जो एप्लीकेशन नहीं चलती, अपने फ़ोन में वर्क नहीं करती, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो डेटा यहाँ पर चेक कर लेना, उसके बाद अपने मोबाइल का नेटवर्क भी चेक कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर एक बार फ्लाइट मोड को ऑन करना है, ठीक है ना। फ्लाइट मोड को ऑन करने के बाद फिर से फ्लाइट मोड को ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद गाइस यहां पर आपको क्या करना होगा, आपको जो है एप्लीकेशन को ओपन करके देख लेना, ठीक है ना। अगर एप्लीकेशन ओपन हो जाती है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, अगर फिर भी आपकी जो एप्लीकेशन सॉल्व नहीं होती तो गाइस आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन को एक बार अपडेट कर लेना, ठीक है ना। तो अपडेट करने के लिए जाना होगा प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको जो है ऊपर की साइड में सर्च करना है पिज़्ज़ा हट। तो पिज़्ज़ा हट जैसे ही सर्च करेंगे ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से अपडेट कर लेना है, एप्लीकेशन चेक कर लेना है। अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर कुछ अपडेट आया होगा तो यहाँ पर ओपन की जगह अपडेट लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर ओपन लिखा हुआ है तो यहाँ पर अपडेट नहीं आया हुआ, अगर अपडेट लिखा हुआ तो यहाँ पर ये अपडेट आया हुआ है एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा, अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना, ठीक है ना। लेकिन गाइस अगर अपडेट आया हुआ नहीं है और गाइस ऑलरेडी अपडेट आपने कर लिया फिर भी ये प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है तो गाइस आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन की सेटिंग के अंदर जाना है। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको जो है नीचे की साइड में यहाँ पर एक ऑप्शन होगा ऐप्स वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन होगा ऐप्स वाला, यहाँ पर एप्लीकेशन मैनेजमेंट होगा, यहाँ पर ऐप्स मैनेजर होगा, यहाँ पर एप्लीकेशन लिखा होगा, कुछ ना कुछ होगा। और गाइस यहाँ पर जो ऐप वाला सेक्शन है वो हर किसी के फ़ोन के अंदर रहता है, तो जो ऐप का सेक्शन रहता है इसके ऊपर आपको जो है क्लिक करना है, ठीक है ना। जहाँ पर भी आपके फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन रहती है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम मैनेज ऐप्स के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमारे फ़ोन में जितनी भी एप्लीकेशन रहेगी सभी एप्लीकेशन यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ से पिज़्ज़ा हट एप्लीकेशन को जो है सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, ओपन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो पिज़्ज़ा हट एप्लीकेशन आ चुके। अगर यहाँ पर लिस्ट के अंदर नहीं मिलती एप्लीकेशन तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो, ठीक है ना, एप्लीकेशन को यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। तो चलिए गाइस यहाँ पर हम पिज़्ज़ा हट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन का इन्फो हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है ना। अब गाइस हम क्या करेंगे, नीचे के साइड में एक ऑप्शन मिलेगा फोर्स स्टॉप, तो यहाँ पर आपको फोर्स स्टॉप के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर डेटा, तो क्लियर डेटा के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लियर कैच करना है और ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको क्लियर डेटा के ऊपर क्लिक करके यहाँ से डिलीट ऑल डेटा वाला ऑप्शन आएगा, तो ओके पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि पिज़्ज़ा हट एप्लीकेशन का जो डेटा रहेगा वो सभी एक साथ यहाँ से जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ यहाँ पर आपका जो अकाउंट लॉगिंग रहेगा वो भी यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से जाना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर और ओपन करके आपको देख लेना, ठीक है ना। जब भी आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो 100% आपकी जो प्रॉब्लम रहेगी वो सॉल्व हो चुकी होगी और एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप जो साइन इन कर लीजिए, अपना अकाउंट है फिर से लॉग इन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एप्लीकेशन जो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि अगर आपके फ़ोन के अंदर भी पिज़्ज़ा हट एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है, काम नहीं कर रही है, आपके फ़ोन में वर्क नहीं कर रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।